अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जली हजी माजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक जड़ी बूटी लेकर आया हूँ। लास्ट टाइम में भी मैंने आपको एक जड़ी बूटी बताई थी इटालियन हर्ब, इसी तरह आज भी मैं आपके लिए एक इटालियन प्लस जुरेशियन जो है हर्ब लेकर आया हूँ। दोस्तों ये बेसल है, तुलसी भी कहते इसे, इसकी बहुत सारी टाइप होती हैं, इसे होली बेसल भी कहते हैं, स्वीट बेसल भी कहते हैं, और पंजाबी में इसे न्याजबो पुकारा जाता है, उर्दू में भी न्याजबो ही कहते हैं। तो बहुत ही खुशबूदार किस्म का पौधा होता है दोस्तों, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत मतबरक पौधा ख्याल किया जाता है हिंदुओं में यानी हिंदू रिलीजन में इसकी बहुत अहमियत है। और वैसे भी जो जितने भी मिथोलॉजी किस्म के रिलीजन्स हैं उसके अंदर इसकी बहुत अहमियत है। तो ये बेसिकली इसके जो ये ज़्यादातर जो है यूरेशियन बेल्ट में पाया जाता है, मेडिटेरियन सी के आसपास के जितने कंट्रीज हैं वहाँ पाया जाता है। तो इधर भी उग जाता है, यानी बड़े अच्छे तरीके से इसकी ग्रोथ होती है न्याजबो की बेसल की। दोस्तों इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं आपको चंद इसके बेनिफिट्स बताऊँगा, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी बताऊँगा। दोस्तों इसकी जो सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी है यानी अच्छी चीज़ है, ऐसे लोग जिन्हें ज़ख़म है मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्म के दाग धब्बे जिस्म में है, स्किन ख़राब है उनकी, और अगर आपको माउंट्स है, कोई फोड़े फिंसियाँ भी निकली हैं, उनके लिए हीलिंग के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर आपको चोट लग जाए तो इसका जो पत्ते वगैरह पीस के आप इसके ऊपर लेप करें तो आपको ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा देगा, क्योंकि ये एंटी बैक्टेरियल और एंटी सेप्टिक और एंटी वायरल किस्म की प्रॉपर्टी रखता है। तो ये आपको जो है बेसल न्याजबो, तो इसमें आपको ये बहुत बेनिफिट देगा। और ऐसे लोग जिन्हें बुखार रहता है, दहमी बुखार रहता है, कभी उतरता है कभी चढ़ जाता है, वो बुखार में इसका जो पानी पियेंगे इसके पत्तों का, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी है। इसका अर्क इस्तेमाल करेंगे तो वो भी इनका ऐसा ऐसा बुखार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो वो भी इसका इस्तेमाल करें तो उनकी जो सर्दी दूर हो जाएगी। खांसी की अगर उन्हें तकलीफ़ है तो वो खांसी में भी इसे इसके पत्तों को पीस कर या वैसे भी खाने के अंदर आप शामिल करेंगे तो ऐसा ऐसा उनकी खांसी भी दूर हो जाएगी, सांस की सारी प्रॉब्लम्स को ये दूर करता है। ये यानी फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जितने भी आपके ब्रोंकाइट्स जो है सांस की नाली है उसे सफाई के लिए, फेफड़ों की सफाई के लिए ये बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का पौधा है। तो अगर आपके घर के अंदर मच्छर मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा है तो आप गमलों के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये न्यासबो बेसल के पौधे को लगा दें तो ये सारे मच्छर मक्खियाँ जितने भी कीड़े मकोड़े सारे भाग जाएंगे। इसमें से जो एक ख़ास किस्म खुशबू निकलती है जिस वजह से वो इरीटेट होते हैं, स्पेशली मच्छर जो है, मच्छर को भगाने के लिए जो बेसल है बेस्ट है। आप सरसों के ऑयल में या सिंपल ऑयल वेजिटेबल ऑयल में इसके पत्तों को पीस के अपने हाथों में थोड़ा सा लगा के लेप कर लें तो आप इससे जो एंटी मॉस्किटो रिपेल भी बना सकते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पौधा है। इस हवाले से कीड़े मकोड़ों के काटने के ऊपर भी आप इसका जो इसका पत्तों का लेप लगा सकते हैं, वो उसमें भी बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जिनकी स्किन ख़राब है, ग्लो नहीं करती, डल है, शाइनिंग नहीं है उसके ऊपर, स्ट्रेच नहीं है, रिंकल है, झुड़ियाँ पड़ी हैं, तो उसके लिए भी ये बेसल बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। आप इनटेक भी ले सकते हैं, खाने में भी ले सकते हैं, और वैसे ऊपर इसका क्रीम बनाकर भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स के साथ, विटामिन ई से भरपूर जो ऑयल होते हैं रोगने बादाम के अंदर पीस के आप लगाएं स्किन के ऊपर तो आपकी स्किन बहुत चमकदार ज़बरदस्त हो जाएगी, शाइनिंग हो जाएगी, और एक्नीस के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जिनके दाग धब्बे हैं दाने वगैरह उनके लिए बहुत अच्छे हैं, और ऐसे लोग जिनके सर दर्द रहता है हर टाइम, उन्हें सुकून नहीं मिलता, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक जड़ी बूटी है, तो वो भी अपनी खुराक में से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आप इसे दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके ड्राई फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और इसे एज अ फ्रेश जो इसके जो पत्तों को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके जो फूल हैं जिसके ऊपर फूल आते हैं वो बहुत खुशबूदार होते हैं, इसके बीज भी आप मुख्य किस्म के बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों चले ये तो थे चंद एक बेनिफिट्स इसके बेसल के न्याजबो के, और इसके आते हैं चंद एक साइड इफेक्ट्स की तरफ। आपको पता है कि हर चीज़ एक मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें तो उसका फ़ायदा होता है, और ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करें तो उसका नुकसान भी होता है। तो बेसल के न्याजबो के भी कुछ नुकसान मैं आपको बता देता हूँ।
अगर आप इसे ज़्यादा मकदार में खाएंगे तो आपका जो गला है और जो मुंह है इसके अंदर इस केमिकल्स में से वो जल सकता है, बर्न हो सकता है, आपको बर्न इफेक्ट दे सकते हैं। और ऐसे लोग जिन्हें चक्कर आ रहे हैं, दिल में तला रहा है, वैसे ज़्यादा खा लेंगे तो उससे भी नोसिया हो सकता है, उन्हें वॉमिटिंग हो सकती है, दिल ख़राब हो सकता है। और ये हार्ट का जो ब्लड होता है उसे थिन करता है, तो इस वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें मकदार में लेंगे तो आपकी जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ हो जाएगा। तो इस वजह से इसे मुनासिब मकदार में लें, क्योंकि ये ब्लड को जो है पतला करता है, तो इस वजह से इसे मुनासिब मकदार में लें। और ऐसे लोग जिन्हें खून की बीमारी है, जिनका खून जमता नहीं है, तो वो इससे तो जहर कातिल उनके लिए, ये उनसे दूर ही रहे, नियाज़ों से, बैसल से, वो इसे अपने खुराक में शामिल मत करें। और इसे खाने से दोस्तों डिजीनेस होती है, और इस वजह से आप इसे मुनासिब मकदार में लें तो ज़्यादा बेहतर है। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें पेशाब की कोई प्रॉब्लम है, अगर आप इसे बहुत ज़्यादा मकदार में ले लेंगे, हाई इनटेक हाई मकदार में लेंगे, तो आपके ये पेशाब में ब्लड भी पैदा कर सकता है, और दूसरा आपको कोमा भी कर सकता है, सीजर जिसे कहते हैं बिरकी पैदा कर सकता है, आपको गुनगुनगी पैदा कर सकता है। इस वजह से आप इसे हमेशा मुनासिब मकदार में लें। चलें दोस्तों, ये तो थी चंद एक बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स बेसल के, तो आप इसे अपने खुराक में एक मुनासिब मकदार में ज़रूर इस्तेमाल करें। खानों के ऊपर स्प्रिंकल में, ड्राई फार्म में यूज़ करें, या फ्रेश इसके पत्ते खानों में यूज़ करें, 5-6 पत्ते यूज़ कर लें डेली, तो इट्स एनफ, इससे कोई नुकसान नहीं होगा और उल्टे फ़ायदे ही होंगे इसके बहुत ज़्यादा। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, चलिए हाफिज़, टेक केयर।